आरटी मीन्स रेफरेंस इनपुट सिग्नल विशेष, आरटी आर फॉर रेफरेंस, अभी बात करेंगे, जस्ट डोंट वरी। ओके, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन का आपने इसके पहले नाम सुना है, एनीबॉडी ट्रांसफर फंक्शन का नाम सुना है? रितुल, आरती राय। ओके, टू पोर्ट नेटवर्क में ट्रांसफर फंक्शन पढ़ना था, टू पोर्ट नेटवर्क में, जिसमें हमारा जो है एक्चुअली होता क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, वो नेटवर्क फंक्शन का पार्ट है। नेटवर्क फंक्शन दो तरह का होता है, एक ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और दूसरा ट्रांसफर फंक्शन। पढ़ा है आप लोग ने? ओके 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 ओके, देन नेटवर्क फंक्शन क्या है? इट इज जस्ट ओनली द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन एस डोमेन। एस डोमेन में कोई भी दो पॉलिनोमियल्स का जो है वो रेशियो है, कोई भी दो पॉलिनोमियल्स का। ओके, दो पॉलिनोमियल्स होना चाहिए, उसका रेशियो है, दैट इज अ नेटवर्क फंक्शन। ओके, लाइक ए एस बाई बी एस, दैट इज नेटवर्क फंक्शन। ये ए एस और बी एस क्या है? दैट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एस डोमेन, लाइक ये एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू, ओके थ्री एस क्यूब, कुछ भी, दैट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। बट अगर वो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन का बात करें, तो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन जो है, कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सर्किट हो, किसी तरह का भी सिस्टम हो, वो सेम साइड को रिप्रेजेंट करता है, सेम पेयर, यानी कि इनपुट के साइड का ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल, और उसका रेशियो अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हो, देन दैट इज द ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। जैसे आपने जेड वन वन निकाला, तो वी वन एस बाई आई वन एस, तो ये ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। जेड टू टू निकाला, वी टू एस बाई आई टू एस, ये भी ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। बट आप अगर जेड वन टू बात कर रहे हैं, वी वन एस बाई आई टू एस, दिस इज नॉट द ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। गॉट इट? दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू टू पोर्ट, टू टर्मिनल्स। ओके, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव। ओके, तो जब भी टू डिफरेंट साइड को इस डोमेन में लिख कर अगर उसका रेशियो लिखते हैं, तब वो ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। और अगर सेम साइड में दो वेरिएबल का रेशियो लिखते हैं, तब हम उसको कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। जैसे एक्स पैरामीटर है आपका, ओके एक्स पैरामीटर, वो मिक्स पैरामीटर, उसमें दोनों है, जेड पैरामीटर में भी दोनों है, वाई पैरामीटर में भी दोनों है, सब जगह मिलेगा। ओके, तब यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन को अगर डिफाइन करना हो, देन सिंपली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट और रिस्पॉन्स टू द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट और एक्साइटेशन। ओके, जो भी आप सिस्टम दे रहे हैं, ओके जो भी आप सिस्टम दिए, उस सिस्टम का बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम के रूप में दो सिस्टम है, एक OLCS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा CLCS क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, यानी कि नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो अगर हम लोग एक कोई भी कंट्रोल सिस्टम ले, लाइक द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओके तो वो एक सिस्टम है जिसका कुछ आउटपुट है और उसका कुछ इनपुट है। ये ब्लॉक डायग्राम बेसिक है आपका, ओके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का।
जहां पे ये जो आपका सीएस है ये इफेक्ट है और ये कॉज है, ये रिस्पॉन्स है और ये एक्साइटेशन है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है, दिस वन। ओके, तो इफेक्ट आउटपुट यहाँ पे ये जो सी एस है एक्चुअली ये क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सीटी और ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आरटी और ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डीटी, दिस वन दिस वन। दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसमें जो है हम लोग बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो बात कर रहे हैं, अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें इस सिस्टम का, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, देन उसको हम लोग क्या कहें, ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट और रिस्पॉन्स टू द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट और एक्साइटेशन। ओके, दैट इज हम लोग अगर ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें तो सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ओके दिस वन दे, ओके थैंक यू अंतिम प्रदीप। ओके, ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया और इसी को हम लोग लिखते हैं जीएस के बराबर, देन दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन जीएस। ओके, दिस इज जीएस ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन है फॉर द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, अब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को जो है जब भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम में लिखते हैं या सिग्नल सिस्टम में लिखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखते हैं, ओके, तो उसे हमेशा एक बॉक्स के अंदर में लिखते हैं, दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखा मिलेगा आपको, ओके, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि हम लोग ब्लॉक में, एक ब्लॉक के अंदर अगर किसी भी चीज को लिख रहे हैं, देन दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर आप बॉक्स में इस तरह का भी सिंबल दे दिए, देन दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज द इंटीग्रेशन, इट रिप्रेजेंट द 1/s, गॉट इट? ओके, तो ये हमारा जो है, हम लोग किसी ब्लॉक में या किसी बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं, देन दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ये हम लोग OLCS का ट्रांसफर फंक्शन बात कर रहे हैं। अगर हम लोग CS का, CLCS का देखे, ओके, ये समझ में आ रहा है, इफेक्ट अगर किसी कोई भी कारण है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, अगर आप एक्साइटेशन देंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, एक्साइटेशन यानी कि एनर्जी देना, अगर आप कुछ भी इनपुट दे रहे हैं देन उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। ओके, नाउ हम लोग ये ट्रांसफर फंक्शन जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का था, अब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का देखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दिस वन डीएस सीएस आरएस ईएस डीएस एचएस दिस वन। ओके, दिस वन इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जहां पे कहीं पे भी अगर एरो का निशान है यानी कि वो एक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं पे भी है, तो कहीं पे भी अगर बॉक्स है तो वो ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और समिंग पॉइंट ये है और ये टेक ऑफ पॉइंट है जो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा इस ब्लॉक डायग्राम में आरएस को हम लोग कहते हैं रेफरेंस इनपुट सिग्नल,
ओके, ये आउटपुट सिग्नल, ओके ये एरर सिग्नल, ओके इसी को कहते हैं एरर सिग्नल या एक्चुएटिंग सिग्नल या कंट्रोल्ड इनपुट सिग्नल। ओके, यानी कि कंट्रोलर में जो इनपुट दे रहे हैं दैट इज अ कंट्रोल्ड इनपुट सिग्नल। ओके, ईएस को, और बीएस को हम लोग कहते हैं फीडबैक सिग्नल। सारा सिग्नल का नाम हो गया। अब अगर कोई भी ब्लॉक में ट्रांसफर फंक्शन अगर लिखा हुआ है और वो ब्लॉक अगर इनपुट से आउटपुट के रास्ता में मिले, इनपुट से आउटपुट, दिस वन इनपुट से आउटपुट का ये रास्ता है, अगर इनपुट से आउटपुट के रास्ता मिले देन दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, और अगर आपका कोई भी ब्लॉक आउटपुट से इनपुट यानी कि उल्टा मिले देन दैट इज अ फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। जनरली वो नाम यही देते हैं। ये देखो, ये डायरेक्शन जो है हमारा इनपुट से आउटपुट है और ये डायरेक्शन जो है आउटपुट से इनपुट है। तो हम लोग जीएस को क्या कहेंगे, जीएस को कहेंगे फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, और एचएस को क्या कहेंगे, एचएस को कहेंगे फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। वेरी गुड। ओके, दिन ये हमारा जो है ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन पाना चाहें इसका ट्रांसफर फंक्शन का, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी कि जीएस हमने निकाल लिए, दैट इज इक्वल टू द सीएस बाई आरएस, जो डिफिनीशन से ही मिल गया। अब अगर हम लोग जो है ट्रांसफर फंक्शन पाना चाहें टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सीएलसीएस, ओके तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, आउटपुट बाई इनपुट सीएस बाई आरएस। जस्ट गो टू द फ्लाइट मोड एंड अगेन कम। ओके, तो मैंने क्या कहा, जस्ट गो, मैंने क्या कहा आपको जो है सीएलसीएस का ट्रांसफर फंक्शन निकालना। तो सीएलसीएस का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है यानी कि ट्रांसफर फंक्शन का डिफिनेशन ही होता है आउटपुट बाई इनपुट। आउटपुट हमारा क्या है सीएस और इनपुट क्या है आरएस, देन आपका सीएस बाई आरएस, ओके दैट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, नाउ अब देखिए इस बेसिक ब्लॉक डायग्राम में, इस बेसिक ब्लॉक डायग्राम में हम लोग लिखते हैं जैसे से लिखा हुआ वैसे से लिख देते हैं। ओके, नाउ हम लोग नेगेटिव फीडबैक कर लेते हैं। सपोज फॉर द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS माइनस BS लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो, ओके, डीएस, डीएस का आउटपुट क्या है, मैंने कहा था ये टेक ऑफ पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट में जो भी इनपुट होगा वही उसका आउटपुट होगा, यानी कि ये भी सीएस और ये भी सीएस होगा। ओके, तो ये हमारे इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए, इस सिस्टम का आउटपुट क्या है CS, इस सिस्टम का इनपुट क्या है ES, इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, मतलब हट GS लिख सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम, आई थिंक, नहीं ना, नो, यानी कि हम लोग CS इक्वल टू लिख सकते हैं GS इंटू ES। ओके, नाउ अगेन ये भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, इस ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट क्या है, आउटपुट, आउटपुट क्या है डीएस, और इनपुट इस ट्रांसफर फंक्शन का क्या है सीएस,
इक्वल टू एच एस लिख सकते हैं, ओके, यानी कि बी एस इक्वल टू एच एस इंटू सी एस लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ तीनों इक्वेशन को देख लो, ओके, तीनों इक्वेशन को देखो, सी एस इक्वल टू जी एस, ओके, जी एस और ई एस इक्वल टू क्या है, आर एस माइनस बी एस लिख सकते हैं। अब बी एस की जगह पे ये पुट कर दो, सी एस इक्वल टू जी एस इंटू आर एस माइनस जी एस, बी एस इक्वल टू व्हाट, एच एस इंटू सी एस लिख सकते हैं हम लोग। इसको आप इधर ले आइए, देन वन प्लस इक्वल टू जी एस इंटू आर एस लिख सकते हैं, टी एस बाई आर एस इक्वल टू व्हाट, ए निकालना था हम लोग को, निकल गया, तो सी एस बाई आर एस इक्वल टू जी एस बाई वन प्लस जी एस एच एस, दिस वन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे कंट्रोल सिस्टम का शुरुआत यहीं से होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, करो। तो हमने यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल ली, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम था हमारा, बेसिक ब्लॉक डायग्राम में जो है, ओके, ये रेफरेंस इनपुट सिग्नल, ये इरर सिग्नल, ये आपका कंट्रोल्ड आउटपुट सिग्नल, ये आपका फीडबैक सिग्नल, ये हमारा फॉरवर्ड पास ट्रांसफर फंक्शन, ये फीडबैक पास ट्रांसफर फंक्शन, ओके। जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, हमको तो पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना, तो पूरे सिस्टम का ओवरऑल आउटपुट सी एस और ओवरऑल इनपुट आर एस, बट ये दोनों भी हमारे एक अंदर में सिस्टम का पार्ट है, ओके, ये दोनों भी सिस्टम का पार्ट है, इसका भी आउटपुट और इनपुट है, और ये समिंग पॉइंट है, इसका भी आउटपुट और इनपुट है, ये टेक ऑफ पॉइंट है, इसका भी आउटपुट और इनपुट है। तो समिंग पॉइंट के लिए, समिंग पॉइंट के लिए ई एस इक्वल टू आर एस माइनस बी एस, ये दिख रहा है यहाँ पे, ओके, इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए आउटपुट सी एस बाई इनपुट ई एस इक्वल टू जी एस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके सौरभ, ओके, तो सी एस को लिख दिए जी एस इंटू ई एस, इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए आउटपुट बी एस इनपुट सी एस, बी एस बाई सी एस इंटू एच एस लिख सकते हैं, ओके, तो बी एस इक्वल टू एच एस इंटू सी एस, तीनों को रीअरेंज कर लिए, इक्वेशन को उठाए सी एस इक्वल टू जी एस इंटू ई एस था, ई एस की जगह पे ये पुट कर दिए, फिर बी एस की जगह पे इसको पुट कर दिए और ये निकाल लिए, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये हमारा जो निकला आपका आउटपुट, वो निकला आपका निगेटिव फीडबैक के लिए, ओके, आप खुद से निकालेंगे पॉजिटिव फीडबैक के लिए, और उसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस आएगा, प्लस की जगह पॉजिटिव फीडबैक के लिए आप निकालेंगे, यानी कि इसके लिए आप इसके लिए निकालेंगे, इट इज जस्ट ओनली द मैथमेटिक्स और नथिंग, ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपको ये आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव साइन किसके लिए, ये पॉजिटिव साइन आया निगेटिव फीडबैक के लिए, और पॉजिटिव साइन किसके लिए आया, निगेटिव फीडबैक के लिए, निगेटिव साइन किसके लिए आया, टेल मी, निगेटिव साइन किसके लिए आया, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, आई थिंक नो प्रॉब्लम, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ट्रांसफर फंक्शन, ओके, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसमें बात करेंगे,
ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जो यहाँ से अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जो अभी चलेगा कम से कम 4-5 क्लास 7 क्लास चलेगा, लगातार प्रॉब्लम चलेगा लगातार, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है 10 क्लास भी चले, इसमें बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ओके। और बहुत सारा प्रॉब्लम करने के बाद जो है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। देन दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम।